हेलो एवरीवन, होप यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। आशा करता हूँ बच्चे होंगे, खुश होंगे। मैं अब्दुल्ला अंसारी, अ फोटोग्राफी बिजनेस कोच, एंड आज के पावरफुल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पेड एडवर्टीजमेंट, पेड एडवर्टाइजिंग आज के टाइम पे एक फोटोग्राफी बिजनेस की पूरी नीड है और पूरी ज़रूरत है। और तीन पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा ये क्यों है, और इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद एक एक चीज़, एक एक क्लैरिटी आपको बहुत डीप में हो जाएगी। बहुत टू द पॉइंट, टू द ब्रीफ बात करूंगा, बट इट विल बी अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड यू आर गोइंग टू लव इट। आपको बहुत मजा आएगा कि क्यों आज के टाइम पे ऑर्गेनिक जो रीच है सोशल मीडिया वेबसाइट की वो डेड है ऑलमोस्ट, ठीक है, और क्यों अब पेड एडवर्टीजमेंट पे शिफ्ट हो रहे हैं लोग, और क्यों अब जितना जल्दी हो सके अगर पेड एडवर्टीजमेंट पे शिफ्ट होंगे उतना अच्छा है आपके बिजनेस के लिए। द मोर यू शिफ्ट अर्ली द मोर इट विल बी बेटर फॉर योर बिजनेस। तीन पॉइंट्स में करेंगे बात और सीधा स्टार्ट करते हैं, लेट जस्ट मूव ऑन। सो यस, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको कुछ कंपनीज दिखाऊंगा और आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, राइट? आपको तीन कंपनीज मैं दिखा रहा हूँ, हैव यू सीन दिस कंपनीज। पहली कंपनी है गूगल, दूसरी कंपनी है फेसबुक और तीसरी कंपनी है हमारी व्हाट्सएप। ये तीन कंपनीज हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन कि आपने इन कंपनीज को कभी एडवर्टाइज करते देखा है टीवी पे, बिलबोर्ड पे, होर्डिंग्स पे या इंटरनेट पे? कहीं आपने गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप के एडवर्टीजमेंट देखे हैं कि नहीं? अगर देखे तो इन द चैट बॉक्स यस टाइप कीजिए, नहीं देखे तो नो टाइप कीजिए, आई विल टेल यू। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी कंपनीज एडवर्टीजमेंट करती हैं, ऑल द कंपनीज आर डूइंग द एडवर्टीजमेंट। बट वाई एडवर्टीजमेंट कर क्यों रही है, क्या रीज़न है? गूगल को कौन नहीं जानता, फेसबुक को कौन नहीं जानता, व्हाट्सएप को कौन नहीं जानता, आप मुझे बताइए। ये सारी कंपनीज को ऑलमोस्ट हर गांव शहर में हर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनीज क्यों एडवर्टाइज़ कर रही हैं? मैं आपसे सिर्फ इसका सवाल जानना चाहता हूँ। अगर मैं आपको गूगल पे, अगर मैं आपको लेकर जाऊँ यूट्यूब पे, तो आप ये देखेंगे ये व्हाट्सएप का ऐड है इन बिटवीन यू, अभी 4 जुलाई को लॉन्च हुआ। उसके बाद आप देखोगे फेसबुक का ऐड है 11 नवंबर 2020 को ऐड हुआ, और गूगल का भी ऐड को आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे गूगल एड्स टाइप करता हूँ तो आपको एक झिझुरिया का ऐड दिखेगा, बहुत अच्छा ऐड है, इट्स जस्ट अ लवली ऐड। ये देखिए एक ही ऐड है गूगल एड्स रीयूनियन करके, मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल ने एक बहुत अच्छा ऐड बनाया था कुछ टाइम पहले, बहुत हिट हुआ था, ये आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं। ये सारी कंपनीज ऐड बनाती हैं, एडवर्टीजमेंट करती हैं, क्या रीज़न है आप सोचिए? मैं बताता हूँ आपको, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनीज अपने यूज़र के दिमाग से जाना नहीं चाहती। आप समझिए, अगर आज से मैं 7-8 साल पहले आपको ले जाऊं 2012-11 में और आपसे पूछता कि आपको अगर मोबाइल खरीदना हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली कंपनी कौन आएगी, कौन सी आएगी, तो आप बोलते माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन अगर आज आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे वन प्लस, ओप्पो, वीवो। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास फंड्स खत्म हुए, कंपनी का एडवर्टीजमेंट बंद हुआ, कंपनी के पास जब एडवर्टीजमेंट बंद हुआ तो फिर लोगों के दिमाग से कंपनीज चली गई। इसीलिए कंपनीज हमेशा ये कोशिश करती है कि लोगों के हम दिमाग में बने रहें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, MBA टर्म्स में बोलते हैं टोमा, टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस। आपको लोगों के दिमाग में बने रहना है। अब इस लर्निंग को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस लर्निंग को हम फोटोग्राफी बिजनेस में, मैं फोटोग्राफी बिजनेस में फिट करूंगा और आपको दिखाऊंगा क्यों एडवर्टीजमेंट इंपॉर्टेंट है और हम लोग क्यों एडवर्टाइज करते हैं अग्रेसिवली, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज एडवर्टाइज करती हैं क्योंकि यूजर के दिमाग में बने रहना है। कोका कोला, पेप्सी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पिछले कितने सालों से काम कर रही हैं फिर भी एडवर्टाइज करती हैं। रीबॉक, नाइकी, ये सारी मोर देन 100 ईयर ओल्ड कंपनीज हैं, फिर भी एडवर्टाइज करती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में बने रहना है। कभी कभी प्रोडक्ट भी सेल नहीं करते, सिर्फ एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के, क्योंकि अपने यूजर के, बायर्स के दिमाग में रहना है कि अगर कोई की बात करे तो नाइकी दिमाग में आए, अगर कोई फोन की बात करे तो एप्पल दिमाग में आए, अगर कोई सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट की बात करे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स दिन ब दिन आते रहते हैं, राइट? अब अगर आप एक फोटोग्राफी बिजनेस चलाते हैं, राइट, इट कुड बी अ वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस, फूड फोटोग्राफी, ई कॉमर्स, कुछ भी चलाते हैं आप, और आप सोशल मीडिया वेबसाइट पर आपकी प्रोफाइल्स हैं और आप सोचते हैं कि आप उस पर कुछ पोस्ट करेंगे और आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, तो आप बहुत ही ज्यादा गलत फहमी में हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाई, आई टेल द रीजन फॉर दिस, वेरी सिंपल रीज़न ये है कि 2014-2015 में अगर आप मुझसे ये बात बोलते तो मैं बोलता अमेजिंग है, आप करिए, आप ऑर्गेनिक कंटेंट डालिए, आपको रीच मिलेगा। लेकिन जब भी कोई नया प्लेटफॉर्म मार्केट में लॉन्च होता है वो ऑडियंस को गेन करने के लिए उसको ऑर्गेनिक रीच देता है। आपको याद होगा जब टिकटॉक लॉन्च हुआ था तो कोई भी आप पोस्ट डालते थे तो बहुत लोगों तक पहुँचता था। अभी रील्स पर अगर आप कोई पोस्ट डाल रहे हैं, अच्छे हैशटैग्स डाल रहे हैं, तो आपकी रील्स बहुत अच्छे तो लोगों तक पहुँचेगी। तो जैसे ही कोई नया प्लेटफॉर्म इवॉल्व होता है उस पर कंपनीज क्या करती हैं, ऑर्गेनिक रीच ज़्यादा से ज़्यादा देती हैं अपने यूज़र्स को। वाई? बिकॉज वो यूज़र्स को बढ़ाना चाहती हैं, और एक बार जब उनके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे यूज़र्स आ जाते हैं उसके बाद वो लोग बहुत सिंपल तरीका करते हैं, ऑर्गेनिक रीच को धीरे धीरे कम करते हैं और पेड रीच को बढ़ा देते हैं। आज से 2014-2015-2016 में अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट करते थे तो आपका जो पोस्ट का विजिबिलिटी होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, बहुत सारे लोगों तक पहुँचता था, बट धीरे 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 करके वो बिल्कुल विजिबिलिटी नीचे आ गया। वाई? बहुत सारे पेड एडवर्टाइजर्स आने लगे, और जब आपकी जो मोबाइल फोन है उस पर स्पेस लिमिटेड है, एक बार यूजर को दिखाने के लिमिटेड कंटेंट है,
तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ने जो पेड कंटेंट था उसको ज़्यादा पुश करना स्टार्ट किया। अभी ऑर्गेनिक रीच बिल्कुल डेड है, सिर्फ 1-3% है। मतलब अगर आपके पेज पे 100 लाइक्स हैं, 100 फॉलोवर्स हैं, तो अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं तो वो सिर्फ 1-3 लोगों तक दिखेगा, मैक्सिमम केस में 5 लोगों तक पहुंच जाएगा। वेरी सिंपल। तो ऑर्गेनिक रीच अभी डेड है, तो अभी क्या सोल्यूशन है? जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है वो है कि पेड एडवर्टाइजमेंट पे आपको सीखना पड़ेगा, उस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर सीख लेंगे, और वो सीख रहे हैं। अब आप देखते होंगे कि आपके फेसबुक एड्स पे अब दोस्तों की पिक्चर नहीं आती है, दोस्तों की वीडियोज़ नहीं आती हैं, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, स्पॉन्सर्ड एड्स ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि फेसबुक आज के टाइम पर सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, इट्स एन एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस ओनर्स एंड बिजनेसेस। एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पर। हमारा सारा बिजनेस फेसबुक और इंस्टाग्राम से चलता है। मैं आपको अपने हमारे रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा, राइट? और क्यों इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए, उस पे मैं आने वाला हूं। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस बिकॉज इट इज द लेटेस्ट ट्रेंड। अभी ये ट्रेंड अगले 5-6 years तक चलेगा, बिकॉज फेसबुक और जो इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, दे वांट टू अर्न मनी। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो दे वांटेड टू गेन द यूजर्स। एक बार उनके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे जब यूजर्स आ गए तो उन्होंने क्या किया, उसको पेड एडवर्टाइजमेंट में शिफ्ट कर दिया, ऑर्गेनिक रीच नीचे ले आए। ऑर्गेनिक रीच का मतलब ये होता है कि बिना पैसा दिए आपको जो रीच मिलती है उसको ऑर्गेनिक रीच बोलते हैं, इन सिंपल भाषा, राइट? ये आप समझिए, ऑर्गेनिक रीच का मतलब यही है, राइट? तो ये ट्रेंड है और ये स्किल है। आज से अगर मैं 10 साल पहले जाऊं तो अगर आप फोटोग्राफी सीख रहे होते तो लोग बोलते थे, अरे एडोब फोटोशॉप सीखो, आपको बहुत ज़रूरत है, अरे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सीखो, DTP का कोर्स करो, अरे कंप्यूटर चलाना तो सीखो। बहुत टाइम पहले की बात बता रहा हूँ आपको, राइट? बट आज के टाइम पे जो सबसे क्रूशियल स्किल है वो है एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग कैंपेन्स रन करना, फेसबुक एड्स को डीप में जानना, राइट? मैं आपको छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ कि हमारे बिजनेस में हम लोग कैसे लीड्स को लेकर आते हैं, किस तरीके से हम लोग एड्स रन करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, अगर आप देखेंगे ये सारे मेरे क्लाइंट्स की लिस्ट है जो लीड्स मुझे आती हैं मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग से, पेड एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं उसको चलाना एक आर्ट है। अगर आज के टाइम पे आप जाएंगे और एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, सो इट्स लाइक अ 5D मार्क फोर कैमरा। ऐसा कैमरा है कि आपने 5D मार्क फोर कैमरा किसी बच्चे के हाथ में दे दिया और उसको बोल रहे हैं आप मार्केटिंग कैंपेन्स रन करो ऑनलाइन, नहीं आएगा ऐसे। इसको इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको सीखने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखा रहा हूँ। लगभग पिछले 8-9 महीने के अंदर जो टोटल लीड्स हमने जनरेट की हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, राइट, वो है अराउंड 974 लीड्स। और ये सारी प्री वेडिंग के क्लाइंट्स हैं, सारे प्री वेडिंग के क्लाइंट्स हैं। इनका बजट में अगर दिखाऊं, दिल्ली की ये लीड्स हैं सारी। प्री वेडिंग का अगर आप बजट देखेंगे 50,000, 60,000, 50,000, then 40,000, ये देखिए, देन अगेन 60,000, देन 30,000, 40,000 to 50,000, 40,000, राइट, 30-50, अच्छे बजट की प्री वेडिंग के क्लाइंट्स हैं, राइट? अगर कोई क्लाइंट 50,000 से लेके 70,000, 1,00,000 के करीब, देखिए 2,00,000 का भी बजट है प्री वेडिंग का, अगर इतना स्पेंड करने के लिए रेडी है तो इसका मतलब क्लियर यह है कि वो अपनी वेडिंग पे अच्छे से खर्च कर सकता है। सो आज के टाइम पे आपको अगर मार्केटिंग कैंपेन्स, आपको एड्स चलाना अच्छे से आ गए तो आप किसी भी तरीके के क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हैं, राइट? आपने मेरे बहुत सारे वर्कशॉप के एड्स देखे होंगे, आपको फेसबुक पे आते रहते होंगे, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड द पेड एडवर्टाइजमेंट। और उसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यू हैव टू गेट अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग, आपको बहुत डीप में समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपके अपने बिजनेस में। आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे या किसी लीड्स पोर्टल पे ऑनलाइन पैकेज लीड्स पैकेजेस लेते हैं आप, या किसी और से थर्ड पार्टी एजेंसी से मार्केटिंग करा के आप सस्टेन नहीं कर पाओगे फोटोग्राफी के बिजनेस में। मैं सिर्फ दो चीजें बोलता हूं कि अगर आपको एक फोटोग्राफी बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको दो चीजें चाहिए। पहली चीज, यू हैव टू बी अ ग्रेट फोटोग्राफर, आपको एक अच्छा फोटोग्राफर, फोटोग्राफी स्किल होनी चाहिए, और दूसरा, यू हैव टू बी अ ग्रेट मार्केटर। ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है तो आपका डेडली कॉम्बिनेशन है, राइट? सो ये दोनों कॉम्बिनेशन है। जनरली मैं कैसे एड्स को, यू नो, किस तरीके से मैं रिजल्ट्स लेकर आता हूँ, जनरली मैं अपने वर्कशॉप में ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, किस तरीके से क्लाइंट्स को लेकर आते हैं, जो कि लगभग 2-3 घंटे की वर्कशॉप होती है। एक बार डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि वो वर्कशॉप कब हो रही है, और अगर हो रही है तो उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपके साथ 3 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस पर मैं फोटोग्राफी बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही पावरफुल कॉन्टेंट डालता हूँ, और ज़्यादा जो कॉन्टेंट मिलेगा आपको वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस से मिलेगा, और भी बहुत सारा मैं कॉन्टेंट इस पर डालता रहता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आपने वर्कशॉप अभी तक अटेंड नहीं किया मेरी, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए कब हो रही है नेक्स्ट वर्कशॉप, अटेंड कीजिए। तीसरी चीज, अगर आप मेरे प्रीमियम कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, प्रीमियम प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि एक डिटेल प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, फेसबुक एड्स इन द फोटोग्राफी बिजनेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग एड्स इन द फोटोग्राफी बिजनेस, किस तरीके से क्लाइंट्स तक पहुंचे, किस तरीके से हाई बजट क्लाइंट्स तक पहुंचे, किस तरीके से फॉलोअप करें, किस तरीके से मीटिंग करें, कन्वर्जन कैसे करें, बिजनेस कैसे बढ़ाएं, सब कुछ बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आपको चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम का कॉन्टेंट इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इफ़ यू वॉन्ट टू एनरोल फॉर दैट, यू कैन गो फॉर दैट।
तीसरी चीज़, हमारे पास हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट ग्रुप्स हैं हमारी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे हमारे प्रीमियम ग्रुप्स के। सो दिस इज़ इट राइट। सो आई जस्ट विश, मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ सीख पाए हो, कुछ समझ पाए हो, और इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। थैंक यू सो मच।